अब खबर जनपद चमोली से है, जहां नगर क्षेत्र में गोचर की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर नगर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। दरअसल नगर कांग्रेस के कार्यकर्ता गोचर के ऐतिहासिक फील्ड के सौंदर्यीकरण समेत 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। उनका कहना है कि कई बार शासन प्रशासन को नगर की समस्याओं के बारे में ज्ञापन भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल नगर की समस्या के निराकरण के लिए नहीं की गई है, इसलिए मजबूरन उन्हें जनहित में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। देखिए, नगर कांग्रेस कमेटी के प्रधान में हम लोग आज ये चौथा दिन है, इसमें 16 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमने यहाँ पर धरना क्रमिक धरना और प्रदर्शन प्रारंभ किया है। 16 सूत्रीय मांगे में हमारी मुख्यतः की मांग को लेकर के है। हवाई पट्टी से जो रास्ता प्रभावित हो गया हमारे काश्तकारों का या स्थानीय लोगों का, उसको लेकर के हैं। हमारे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी आधी अधूरी बिल्डिंगों को लेकर के हैं। हमारे गौचर मैदान में मुख्यमंत्री जी बार बार आकर स्टेडियम की घोषणा कर जाते हैं, वो स्टेडियम कहीं लोग उनको दिखाई देता है, उसको लेकर के हैं। इसके अलावा तमाम मांगे हैं जो जिनका पूरा विवरण यहाँ पर आपके सामने रखेंगे, और इन मांगों को लेकर के हमने शासन प्रशासन के सामने अपनी बातें रखी हैं। और जो अभी हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो अभी शांतिपूर्वक है, और आगे भी मैं समझता हूँ शांतिपूर्वक ही रहेगा। सरकार हमारी मांगों को समझे, हमारी भावनाओं को समझे, और जो नगर क्षेत्र गौचर और उसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके जनता के सीधे सवालों को लेकर के ये आंदोलन यहाँ पर जारी है।